तो भाई आज अपनी देसी जी वैगन को चला के देखते हैं यार। आटा लड़ेगी मुझसे। So can we skip to the good part? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वॉटर ट्यूबर। आज की इस वीडियो में फिर से हमारे साथ बनी भैया है, लेकिन साथ ही इनके कार जो है, इसके पहले जो हम लोग रिव्यू किया था वो थी टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 में, और अभी बनी भैया के साथ है ये कार बुलेरो। इसमें बहुत सारे भैया ने मॉडिफिकेशन किए हैं, खुद ही इनकी इन हाउस जो वर्कशॉप है जहाँ पर ये सारे काम होते हैं, और इनने बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग से लगवाई हैं, बनाई है इनफैक्ट मैं बताऊँ तो, उसके बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। और भाई कमाल की, एक बार लुक देखो यार कार का, मतलब बहुत सेक्सी लगती है यार इतनी, मतलब हाइट वगैरह आप टायर देखो कितने चौड़े चौड़े, और ये जो एंटीना आप देख पा रहे हो इसकी हाइट 6 फीट की है, जो मतलब काफ़ी सही लगता है ये ट्रक। कम से कम 3 फुट जमीन से 3 फुट ऊपर भी लगा हुआ है कम से कम। हाँ, जमीन से 3 फुट ऊपर। 6 फुट तो यहाँ से है ना। अच्छा, 6 फुट यहाँ से है यहां भाई से। इसकी हाइट और लगभग मान लो 9 से 10 फुट है इसकी हाइट, काफ़ी सही लगता है भाई ये अलग से। थोड़ा इसका थिकनेस और ज़्यादा होती ना तो अलग ही दिखता है। तो वीडियो फिर जो गाड़ी स्पीड पे आती तो फिर टूट जाता, हवा का प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर। अच्छा, अगर ज्यादा मोटा होता ना। अभी तो नहीं टूटता होगा। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि पतला है ना तो हवा को ये कट करता है। अगर मोटा होगा तो हवा का प्रेशर इसे तोड़ देगा। तो भाई काफी सही चीज है। वीडियो में बात करेंगे इस कार के पूरे चीजों के बारे में, क्या क्या चीजें भैया ने लगवाई है, और ये जो फेंडर वगैरह देख रहे हो ना इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना भाई, और भैया का इंस्टाग्राम मैंने दे दिया नीचे, उसे भी जाके फॉलो कर लेना एक बार। शुरू करते हैं भैया वीडियो को। बताइए सबसे पहले फ्रंट में आपने क्या क्या चेंज किया है इसमें? फ्रंट ग्रिल ये पूरी चेंज है, ये बेंटली वाली है। ये मुझे लगता है उसमें जी वैगन में आती है। जी वैगन में जो है तो ये ब्राबस, सुना हो आपने ब्राबस जी वैगन, उसका लोगो है ये, उसमें आती है जी वैगन में आती है ग्रिल, सेम उसकी कॉपी है, बलेरो में लगाते हैं। अच्छा, ये तो आम है, बहुत लोग लगाते हैं। ग्लो भी करती है लाइट? अब तो बस ये आफ्टर मार्केट है तो इतना वो नहीं, इसमें लाइट वगैरह कुछ नहीं है। नहीं वायर? अच्छा, कोई वायर, ये तो यहाँ से टूट टाट गई होगी कभी तो, क्योंकि मैकेनिक्स इसे चलाते रहते हैं ना अपने यूज के लिए, अपने यूज के लिए। और बम्पर का भैया ने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे भैया ने फॉग लैंप डाले हुए हैं, ये सामने आप देख पाएंगे। ये बम्पर का क्या सीन है इस पे? ये मेटल का है पूरा। हाँ पूरा हैवी ड्यूटी है, हैवी ड्यूटी, कुछ नहीं होगा इसे, पूरा गाड़ी के जो चेसिस है उसके साथ माउंट है। और ये चीज़ खुद ही आपने यहाँ पे बनाई है? खुद यहीं पे बना है पूरा ये माउंट आप। और ये जो साइड वाला फेंडर देख रहे हो ना आप, ये भी पूरा मेटल का है, मेटल का है, और ये भी यहीं पे बनाया गया है। बिल्कुल। साथ ही साथ इसमें आप जो फ्रंट टायर देखोगे, इसमें जो टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 265/65 R17 इंच के, 265 के जो है वो आपके फॉर्च्यूनर लेजेंडर में लगे हुए हैं टायर। हाँ, पर वो 18 इंच है, वो 18 इंच है, ये लेकिन जो चौड़ाई है, विड्थ है भाई, ये फॉर्च्यूनर लेजेंडर वाली है। मतलब टायर की चौड़ाई देखो एक बार, कार से कितने बाहर निकले हुए हैं ये, मतलब नॉर्मल यहाँ पे ख़त्म होती है और इतना बाहर ये टायर निकले हुए हैं भाई, काफ़ी अच्छा लुक देते हैं यार कार को। और इसको चलाने के बाद इसमें कोई स्टेबिलिटी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं कुछ, जैसे चलती थी नॉर्मल वैसे ही चलती, वैसे ही चलती। और साइड में कुछ ऐसी बात करें तो भाई इस कार की लुक कुछ ऐसी आती है। यहाँ पे, यहाँ पे आप देखोगे लाइट्स वगैरह भैया ने लगा रखी हैं, ये वर्किंग है सारी कंडीशन? हाँ, सारी वर्किंग है। ये वाइट HID है। अच्छा, इसको येलो करने के लिए इसका कवर है। ओके, अगर कवर उतार दो तो ये वाइट है, कवर के साथ ये येलो है। ये कवर उतार लो एक बार, मैं जला के दिखा दें। हाँ, इसकी स्विच मैं दिखा देता हूँ भाई, अंदर से स्टॉक रखी हुई है लेकिन बाहर से पूरी चेंज है, और स्विचेस वगैरह उसकी उस साइड है, मैं एक बार दिखा दूंगा। तो ये वाइट लाइट है और सामने से देखोगे बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा। अभी तो गर्म होके और बढ़ेगी, HID है ना। अच्छा, जैसे जैसे गर्म होगी और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी भाई, काफी ब्राइट है यार लाइट। और जब कवर लगा होता है बेसिकली आपने इसीलिए लगाया सामने, किसी को आंख में वो ना हो। हाँ, और दूसरी बात, ये येलो होने के बाद अगर फॉग हो तो उसमें बहुत ज्यादा वर्किंग है। ओके, व्हाइट लाइट फॉग में नहीं हेल्प करती। इसकी स्विच मैं एक बार दिखा देता हूँ भाई आपको, ये यहाँ पे इसकी स्विचेस वगैरह हैं, और इसे बंद करने के लिए ये स्विच बंद हो गई क्या? बंद हो गई। हाँ बंद हो गई। तो ये स्विच लगी हुई है इसकी भाई, काफ़ी सही चीज़ है यार, मतलब ओवरऑल लुक को ये और ज़्यादा बल्कि बना देती है। एक बार मैं सामने से एक बार और दिखाऊँ आपको। और भैया ये जो ऊपर लाइट्स लगी हैं ये भी हैं क्या? हाँ, ये भी वर्किंग है। एक बार उसको भी चला के देखते भाई, पूरा लुक देखो कार का यार सामने से। एक लाइट उसमें वर्किंग नहीं है अभी, लेकिन बाकी देखो उसकी वायर टूट गई है। ओके,
वाइट, पूरा जी वैगन वाली फील दे रही है। हाँ, देसी जी वैगन। तो भैया ओवरऑल इसमें कॉस्ट कितना, आपने खर्चा कितना कर दिया कार पे? खर्चा मैंने कुछ सामान जो खरीदा वो लाइट्स खरीदी हैं, बाकी सब तो ये यही बना है। तो फिर अराउंड 10-11 हज़ार की लाइट्स होंगी। टायर खरीदे हैं, टायर अराउंड 12,000 रुपये का एक टायर है। एक टायर है? हाँ, ओके। 265 वेट थे ना इसके? हाँ, अराउंड 12,000 रुपये का एक टायर है। और एलॉयज इसके 17, ये पहले क्रोम थे, इन्हें मैंने ब्लैक पेंट कराया बाद में। अच्छा, एलॉयज क्रोम इतना पसंद नहीं था क्या? बिल्कुल अलग है इसमें, और कहीं क्रोम इतना था ही नहीं, बिल्कुल अलग हो गए थे गाड़ी से। सूट करता वैसे क्रोम? आपने लगा के देखा? मैंने बाद में, हाँ पहले क्रोम ही थे, उसके बाद मैंने इसको ब्लैक पेंट करा दिया। ठीक है भाई, काफ़ी सही लग रहे हैं अभी भी, वैसे क्रोम में भी सही लगते हैं ये, लेकिन पर्सनल चॉइस है अपनी, भैया ने कर लिया। और ये स्नॉकर भी आपने आपका मार्केट लगवाया? हाँ। और ये वर्किंग है कि केवल डेमो पीस? नहीं, वर्किंग है। वर्किंग है, ओके। तो मतलब इसने ऑफ रोडिंग बड़ा होल हुआ था इसमें। अच्छा, पाइप जाने के लिए। तो इसमें ऑफ रोडिंग वगैरह आपने की है क्या, जिस हिसाब से इसने बनाया कि केवल लुक्स के लिए बनाया गया है? मेन तो लुक्स है, ऑफ रोडिंग थोड़ी बहुत की है, थोड़ी बहुत नॉर्मल। तो भाई पूरा मैंने कार बाहर से दिखा दी, एक बार मैं पीछे दिखा देता हूँ जो सबसे सही चीज़ है। और जैसा इनका काम वगैरह है, इसमें सामान वगैरह रखने के लिए आपने ये गाड़ी ली होगी? 4x4 की ये बैजिंग लगी हुई है। 4x4 है नहीं ना? है नहीं, है आती है, आती है 4x4 में, बट ये नहीं है। और ये लाइट्स वगैरह भी पीछे की चेंज है क्या? हाँ, ये थार में जो लगाते हैं। अच्छा, ये थार वाली लाइट्स है? हाँ, थार में जो ओल्ड वाली थार है ना, उसमें लाइट्स लगती हैं। आपने इसमें लगा दी? और इसमें पहले लाइट नहीं, प्लेट बना के ना और फिर ये फिट कराइए। तो लाइट इसमें पहले नहीं आती थी क्या? हाँ, मतलब नॉर्मल तो, वो वाली होगी, ब्लैर वाली। हाँ, वही है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं लुक को बढ़ा देती है भाई, ये पीछे से कुछ ऐसी लगती है यार। और पीछे कोई टो करने के लिए हुक, ये टो हुक लगा हुआ, ये भी यहीं पे बनाया है। बनाया है पूरा पूरा ये, सही है। रिवर्स कैमरा इसमें, रिवर्स कैमरा भी इसमें इंस्टॉल किया आपने? भाई ये देखो, रिवर्स कैमरा भी लगा हुआ है यार, काफ़ी सही है यार। एक बार बैठते हैं कार के अंदर और चीज़ों की बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। कुछ इतना जगह आपको स्पेस मिल जाती है, मस्त है। देसी जी वैगन अंदर से इसको मैंने बिल्कुल जैसी थी वैसी है, क्योंकि मैकेनिक्स चलाते हैं। हाँ, वो बिल्कुल सब ऐसा ही रखते हैं फिर। नॉर्मल अंदर से जैसे बुलेरो आती है वैसी ही है। हाँ, ये हाँ, मतलब पर्सनल यूज के लिए नहीं है, पर्सनल यूज के लिए। हाँ, ये तो बस चलो शौक था बना के लिए बड़ी है, मतलब बढ़िया लगती है बाहर। हाँ, रोड पे जाता हूँ तो लोग देख के एक बार बोलते, तो कोई ना कोई तो जरूर बोल ही देता है कि भैया एक फोटो ले लूँ क्या। रोड प्रेजेंस काफ़ी सही है भाई कार की। इंटीरियर नॉर्मल जैसा बुलेरो का आता है वैसे ही है, और जो जो चीज़ें आपको मिलती हैं पीछे इसमें आपको इतनी जगह मिल जाती है। ऐसा है भाई, चला के देखते हैं भैया चलाएंगे इसको। ये जैसे नॉर्मल बुलेरो है, नॉर्मल मतलब मेरे को वो देखना है इस टायर्स वगैरह चेंज करने के बाद क्या कैसा चेंज आया चल रहा है। और भाई काफ़ी, ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था ये देखो यहाँ से को कहाँ तक, मतलब क्या बताएं, काफ़ी सही है यार। ये चलने में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं करता? वाइब्रेशन तो नहीं करता अभी इसमें ना, ये बहुत टाइम से मैकेनिक वगैरह बहुत ज़्यादा रफ यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा ही रफ। ओके। तो उस वजह से मुझे लगता है इसका अलाइनमेंट वगैरह मुझे दोबारा कराना पड़ेगा। अच्छा। और मैं सोच भी रहा था एक आध दिन में कराता हूँ, क्योंकि मतलब ना कुछ स्टेयरिंग इसका ऐसा करने लगा है, कुछ कांपता है, चलता है ना तो थोड़ा थोड़ा करने लगा है अब। वैसे शुरू में कोई दिक्कत वैसे कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा रफ यूज़ की गई है इसलिए थोड़ा है। इसके पहले आप तो इसको बहुत चलाया ना आपने? हाँ, ये बहुत चलाया है, अराउंड 50,000 की अभी तक चली है। 50,000 चल गई है, और इन्हीं टायर्स के बाद इन्हें 50,000 आपने चलाया है? नहीं, अराउंड इन टायर के चले गई होगी 10,000 पहले चली होगी। अच्छा, मतलब स्टॉक टायर आपने केवल 10,000 किलोमीटर ही चलाया? हाँ, और उसके बाद इसे चलाया आपने? भाई काफ़ी सही है यार, मतलब प्रेजेंस इसका ना, एक बार मैं कहीं गाड़ी साइड में लगा के इसका प्रेजेंस आपको दिखाऊंगा चला के, भैया चलाएंगे एक बार देखिएगा, काफ़ी सही लगते हैं यार। और अभी 44 पे है, 44-45 स्पीड है, 80 से ऊपर नहीं जाती है, 80 से ऊपर नहीं जाती, लॉक लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। एक बार वो भी दिखाते हैं, 51 है ये, थोड़ा इसमें क्लच की वजह से इतनी वाइब्रेशन है, इसके क्लच का भी मतलब काम आ गया है। हाँ, क्लच का काम है, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा रफ यूज़ होती है। हाँ, बेसिकली मतलब ट्रक्स वगैरह का काम के लिए यूज़ करते हो आप? बिल्कुल। और पर्सनल अगर मैं यूज़ करूँ तो थोड़ा देख के चलाऊँ, अच्छे से चलाऊँ। हाँ। जो ड्राइवर रखे हुए हैं इनके ऊपर, वो बस फिर कभी इधर जाना कभी उधर जाना, और इनका चलाना बस ऐसा है, बिल्कुल फुल तोड़ रफ यूज़ करते हैं। हाँ। भाई वाइब्रेशंस वगैरह यहाँ पे भी आ चुके हैं, और विंडोज़ वगैरह में भी हैं वाइब्रेशन। हाँ। मतलब बाहर से जो कोई देखेगा, अगर कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेके जाओ, हाँ तो ज़रूर कोई ना कोई तो कह ही देता है कि कह ही देता है।
थोड़ी मतलब जैसे आई कैची है थोड़ा आई कैची केवल टायर्स के कारण ना लुक मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसी ही यहाँ इस पंजाब साइड तो चलो कॉमन है वहाँ तो हर कोई करता है थोड़ा इस एरिया में है। यहाँ तो मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर है कोई भी टायर चेंज कराने चाहेगा क्योंकि एक तो स्टॉक जो टायर्स लिए हैं पहले उसको सोचता है कि वही पूरे खत्म हो जाए फिर उसके बाद ही चेंज कराएंगे। कुछ इधर जो लोग हैं उनको नॉलेज भी कम है जो पंजाब साइड चलता है वो अलग ही है। अलग ही है सही है भाई कुछ ऐसी व्हील दे रही होगी अपनी कार पीछे से चढ़े चढ़े टायर भाई 74-75 पे है इतने में ही ये स्टेबल रहती है इसके ऊपर थोड़ा सा नहीं हाँ अगर कहीं मतलब 83-84 यहाँ तक चली जाती है हाँ। लेकिन फिर वापस 80 पे आ जाती है और स्टेबिलिटी भी बोलेरो की मतलब इतनी है लगभग इससे ज्यादा हाँ, काफी ज्यादा बॉडी रोल ये नहीं है कि लॉन्ग रूट के लिए है ये तो बस और बाकी नॉर्मल है स्टॉक कंडीशन रखी हुई है ग्लव बॉक्स वगैरह ये आपको नॉर्मल मिलते हैं और एक बार आप यहाँ पे रोक देना एक बार मैं बाहर से इसकी लुक्स दिखा देता हूँ यार थोड़ा सा ही कैसी आती है चलते हुए काफी सही लगती है यार। चलो इन्हें ही छोड़ने क्या बाहर का इसका शॉट मैंने दिखा दिया आपको भाई काफी सही लगती है रोड प्रेजेंस का मतलब काफी अट्रैक्टिव है अगर भीड़ में कोई गाड़ियां चल रही हैं तो उसके बाद ये अलग आपको दिख जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई फिलहाल में ये वीडियो में इतना ही था वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन बताइएगा और भी जो गाड़ियां हैं भैया की उनकी भी रिव्यू जल्दी लेके आएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो क्योंकि भैया यहाँ रहते नहीं है पंजाब में रहते हैं ना बेसिकली ओके यहाँ पे भैया का काम है इस वजह से आते जाते रहते हैं और ट्रक्स भी भैया के साथ हैं और एक जो स्पेशल ट्रक है जिसपे फीचर्स वगैरह भी अच्छे हैं उसकी भी वीडियो जल्दी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही मैं बोलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।